पॉलीम्ब्रोनी एक ट्रिपर्टो डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियोज एक फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो एम्ब्रियोज होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये जो फिनोमिना होते हैं ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में ही मिलते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन की जब हम बात करते हैं जब टू आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर पॉलीम्ब्रोनी। अदर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में है नाइन बैंडेड आर्मेडिलो। ये मीडियम साइज का एनिमल होता है जो कि आपके अफ्रीका के कुछ पार्ट में पाया जाता है। दिस इज वाइल्ड स्पीसीज विच गिव टू द आइडेंटिकल क्वाड्रप्ट यानी कि चार आइडेंटिकल जो है ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ये जो है आपका इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है वन और मोर एम्ब्रियोनिक सैक और टू टू और ओरिजिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म में आपका कॉमन होता है। इसके अलावा डाइकोट और मोनोकोट की कुछ स्पीसीज में जो ये प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एंटनी वैन लीउनहॉफ ने 1719 में इन सिट्रस प्लांट। कॉज क्या पॉलीम्ब्रोनी की अकॉर्डिंग टू फ्रूस्टो 1957 तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट वन आपका था एज ऑफ ट्रीज। जैसे जैसे ओल्डर ट्रीज होता है तो पॉलीम्ब्रोनी बढ़ जाती है। फ्रूट सेट भी हायर हो जाता है इन ईयर्स एज हायर फ्रूट सेट है। न्यूट्रिशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है अगर फूड सप्लाई कम हो जाती है। ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी जो है पॉलीम्ब्रोनी होती है। वन और मोर रिसेसिव जीन्स एग्जाम्पल इन लिनियम ऑफ मेंजीफेरा इंडिका। टाइप्स ऑफ पॉलीम्ब्रोनी तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इंडोर्स पॉलीम्ब्रोनी, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस एम्ब्रोनी। स्पॉन्टेनियस नेचुरल जो अपिंग होती है इंड्यूस्ड में जो हम एक्सपेरिमेंटल इंड्यूस्ड करते हैं पॉलीम्ब्रोनी। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलीम्ब्रोनी डिफरेंट टाइप के कहते हैं। स्लाइटली पॉलीम्ब्रोनी जिसमें पॉलीम्ब्रोनी अप टू 25% होती है। मॉडरेट पॉलीम्ब्रोनी में अप टू 50% होती है। हाईली पॉलीम्ब्रोनी मोर देन 50% पॉलीम्ब्रोनी होती है। तो हाईली जो होती है आपकी स्ट्रेस प्लांट में होती है मोस्टली। वेबर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन कहते हैं तो हम कहते हैं थ्री टाइप के होते हैं। क्लीवेज पॉलीम्ब्रोनी यानी कि जिसमें आपका सिंगल फर्टिलाइज्ड जो होगा क्लीव करेगा नंबर ऑफ एम्ब्रियो अराइज करेगा। सिंपल पॉलीम्ब्रोनी में जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सिवरल आर्चिगोनिया। रोजेटी पॉलीम्ब्रोनी जो कि आपकी जिम्नोस्पर्म में कॉमन होती है तो यहाँ पे एडिशनल एम्ब्रियो डेवलप होता फ्रॉम रोजेटी सेल्स। तो इसलिए इसको जो है रोजेटी पॉलीम्ब्रोनी क्योंकि इसकी सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रोजेटी टाइप की होती है इसलिए इसका नाम जो है रोजेटी पॉलीम्ब्रोनी मिलेगी। तो ये कुछ आपकी स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलती है। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आल्सो डिफरेंट है। सिंगलेट अगर वन एम्ब्रियो पर सीड, डुप्लेट टू एम्ब्रियो पर सीड, ट्रिपलेट अगर थ्री एम्ब्रियोज है पर सीड्स के, क्वाड्रप्ट अगर चार एम्ब्रियोज है पर सीड्स, क्विंटुप्लेट अगर फाइव एम्ब्रियोज है पर सीड्स, सेक्सटुप्लेट यानी कि सिक्स एम्ब्रियो पर सीड, हेप्टुप्लेट सेवन एम्ब्रियो पर सीड्स, ऑक्टोप्लेट 8 एम्ब्रियो पर सीड। इस तरीके से ये आगे चलती रहती है। तो इन एपोमिक्सटी स्ट्रेस स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्वाड्रप्टो ट्रिपलेट जो होते हैं वो मोर फ्रीक्वेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ जीनोटाइप। बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपका था स्ट्रिक्ट मोनो एम्ब्रियोनिक जिसमें प्लांट स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी जो पॉलीम्ब्रियोनिक बनाने के होते हैं वो लेस देन 6% होती है। नियरली मोनो एम्ब्रियोनिक में आपकी जो है अबाउट 6 to 10% होती है आपकी पॉलीम्ब्रियोनिक बनाने की। पॉलीम्ब्रियोनिक में जो आपका आता है उसमें जो मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने की जो आपकी परसेंटेज होती है वो मोर देन 10% होती है। देन ऑन बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस तो हम कहते हैं दो टाइप के ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी और फास्ट पॉलीम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी में जो है टू और मोर एम्ब्रियोज अराइज होते हैं फ्रॉम सेम एम्ब्रियो साइट
ये आपके न्यूक्लियस से भी अराइज हो सकते हैं और आपके इंटीग्रमेंट से भी अराइज हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, मैंगो, जामुन एक्स्ट्रा। फास्ट पोलर एम्ब्रियो की बात करते हैं तो इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो सेक जो है फॉर्म्ड होता है इन ओव्यूल्स, जो कि फ्लोड करता है मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एग्जाम्पल है फ्रेजेरिया का। तो जब हम ट्रू एम्ब्रियोनी की बात करते हैं तो ट्रू एम्ब्रियोनी में जो आपके क्लीवेज और आप एडवेंटेटिव पोली एम्ब्रियोनी आती है, यहाँ तक कि सिंपल भी इसमें इंक्लूड होती है, तो क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी जो होती है वेयर द एम्ब्रियो अराइज विद इन द एम्ब्रियो सैक आइदर बाय द क्लीवेज ऑफ हेयर्स और फ्रॉम द सिनर्जिस्ट और एंटीपोडल सेल्स, एग्जाम्पल है जिनोस्पर्म्स। सिंपल पोली एम्ब्रियोनी जो आपकी ब्रासिका में पाई जाती है, मिक्स्ड पोली एम्ब्रियोनी आपकी पाई जाती है आर्गमोन मेक्सिकाना में और अल्मस अमेरिकाना में। एडवेंटिटिव पोली एम्ब्रियोनी जहाँ पे एम्ब्रियो अराइज होता है फ्रॉम द टिश्यू लिविंग आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो सेल्स, एग्जाम्पल है दैट इज द आप कह सकते हो न्यूक्लियस और इंटीग्रमेंट सेल्स है, बट जनरली दे कम टू लाइव विद इन द एम्ब्रियो सेल, एग्जाम्पल है सिट्रस, मेंजिफेरा, पंशिया। जेनेटिक बेसिस की अगर बात करते हैं हम तो ये दो टाइप के कहते हैं गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो गेमेटोफिटिक में यानी कि आप गेमेटिक सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स जिसमें सिनर्जिस्ट और एंटीपोडल सेल्स भी इंक्लूड होते हैं आफ्टर और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बनता है दैट इज द गेमेटोफिटिक, ये हैप्लॉयड भी हो सकते हैं डिप्लॉयड एम्ब्रियो भी बन सकते हैं। इसमें सेप्रोफिटिक में आपके जो मल्टीपल एम्ब्रियो अराइज होते हैं फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल्स जैसे कि न्यूक्लियस और इंटीग्रमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिससे जो आपके एम्ब्रियो बनते हैं डिप्लॉयड जो कि एक जैसे होते हैं लाइक पेरेंट्स। तो ये दैट इज द ओवरव्यू ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। तो हम कह सकते हैं कि दो टाइप की होगी, सिंपल और आपके मल्टीपल। सिंपल में आपका वन एम्ब्रियो सेक बनता है जबकि मल्टीपल में मोर देन वन एम्ब्रियो सेक बनता है। तो सिंपल की बात करते हैं तो उसमें एसेक्सुअल होता है जो विदाउट गैमेट फ्यूजन होता है, इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक 1n होती है, स्पोरोफिटिक 2n होती है। तो गैमेटोफिटिक आपके सिनर्जिस्ट और एंटीपोडल सेल्स से मिलते हैं जबकि स्पोरोफिटिक आपके न्यूक्लियर और इंटीग्रमेंट्री सेल्स से आपकी मिलती है। मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो ये फ्यूजन से होता है सेक्सुअल, तो ये सेक्सुअल टाइप का यानी जहाँ पे गैमेट फ्यूजन होते हैं। तो ये दो तरीके से मिल सकता है, जाइगोट्स जाइगोटिक से और सिनर्जर से। तो इनसे जो आपका पॉलीएम्ब्रियोन बनता है दैट इज द 2n। हम बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो पॉलीएम्ब्रियोन चार टाइप की होती है, बाय द क्लीवेज और प्रोएम्ब्रियो जिसे हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोन कहते हैं, जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म में होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोस बाय सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग्स यानी कि बाय द न्यूक्लियर सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक विद इन द सेम ओव्यूल्स। और फोर्थ वे है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ द ओव्यूल्स। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी की जैसे हम बात करते हैं कि ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिसमें दो और दो से ज्यादा पॉली एम्ब्रियो बनते हैं फ्रॉम द सेल्स बाय द क्लीवेज ऑफ जायगोट और प्रो एम्ब्रियो। तो ये सबसे पहले जो जेफरी ने 1985 में एरिथोनियम अमेरिकानम जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है उसमें देखेगी। तो ये वाइडली स्प्रेड होता है जिम्नोस्पर्म में और रेयरली होता है एंजियोस्पर्म में एक्सेप्ट द ऑर्किड्स लोपिया एरिथोनियम अमेरिकानम। तो डिफरेंट मोड होते हैं इसकी न्यूमेरिकल एम्ब्रियो फॉर्मेशन के। पहला आता है आपका बाय प्रोलिफरेशन ऑफ जायगोट। तो जायगोट इसमें डिवाइड होता है इरेगुलरली टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल्स एट चेलेजल एंड टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एग्जांपल है इसका यूलोपिया। सेकेंड आता है बाय बडिंग ऑफ एम्ब्रियो जिसमें प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म करता है स्मॉल बर्ड्स और आउटग्रोथ विच में देन सेल्फ एक्ट एज ए एम्ब्रियो। थर्ड आपका था बाय स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियो, तो यहाँ पे जो फिलामेंट होता है एम्ब्रियो का वो बिकम ब्रांच और जो हर एक ब्रांच बनती है वो आपकी एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाती है। सस्पेंसर पोली एम्ब्रियो जो होती है कॉमन होती है एक्सोकार्पस में। यहाँ पे 6 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं साइमल्टेनियसली बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सस्पेंसर सेल्स बट ओनली वन इज रीच टू द मेच्योरिटी। कुछ जो आपकी सस्पेंसर एम्ब्रियो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं इन टू हार्ट शेप स्टेज तक जैसे जाइगोफिलम में। तो
दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लीवेज पॉलीम्ब्रोनी। तो इसमें पहले जो है आपका एम्ब्रियोनिक मास बन रहा है फ्रॉम द बेसल सेल्स ऑफ जायगोट, दूसरे में आपका जो है दूसरे और तीसरे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो है डिफरेंशिएट हो रहा है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मास सेल से और आपके जो है टू एम्ब्रियो बन गए प्रो एम्ब्रियो। दिस इज आल्सो द डायग्राम ऑफ द क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ भी जो एम्ब्रियोनिक मास जो होता है डिवाइड होता है ऑफ जायगोट इन यूलोपिया, तो इसमें जो है प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है इन एडिशन टू नॉर्मल एम्ब्रियो, जबकि आपके सी पार्ट्स में जो है एम्ब्रियो जो होता है स्प्लिटिंग के कारण बन रहा है थर्ड वाले में। देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन एग्स। तो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड्स की बात करते हैं तो वहाँ हैप्लोइड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है जैसे कि आर्जी मोनोएक्स काल में। अगर सिनर्जिड्स फर्टिलाइज हो जाता है तो इसका एग्जाम्पल है पोआ, सेजिटेरिया, एरिस्टोलोचिया, क्रिपिस। एम्ब्रियो फ्रॉम द एंटीपोडल सेल्स ये आपका मिलता है एलियम में, पास पेलम में, सीडम में, उल्मस में। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो पहले में जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दिखाया गया फ्रॉम एंटीपोडल सेल्स, जबकि सेकेंड में आप जो है सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ एडवेंटेटिव प्रो एम्ब्रियो बने हैं फ्रॉम द न्यूसिलर सेल्स जो कि आपके दिख रहे हैं अलग से कि आपकी ये जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो बन रही है आपकी और ये आपकी एडवेंटेटिव प्रो एम्ब्रियो बन रही है। तो यहाँ से मिला है कि यहाँ पे जो है डबल हो जाता है। इसी तरीके से आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो जो आपका सिंगल दिख रहा है लेकिन ये जो आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये आपकी जो है पॉली एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन सी आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एडिशनल एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल्स। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज करता है टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो राइज हो रहे हैं पहला रहा है डिफरेंशिएशन मोर देन वन मेगास्पोर मदर सेल्स इन ओव्यूल्स जैसे कि हाइड्रिला, सोलेनम, मेलोंजिना में, जुसिया में, कैजोराइना में एक्सेट्रा में। एक्टिवेशन ऑफ मोर देन टू मेगास्पोर्स जो कि फॉर्म्ड होते बाय रिडक्शन डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स जैसे कि रोजन कुल्किटियम में। फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूसिलस इसके एग्जाम्पल है सिट्रस मेंजिफेरा ओपेंसिया। फ्रॉम इंटिग्मेंट इसका एग्जाम्पल है लिमना नेंथिस। ओरिजिन ऑफ जो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोज होता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियोज बट इसकी डेवलपमेंट जो एंडोस्पर्म से होती है इफेक्ट होती है क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। पॉलीएम्ब्रियोनी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इसमें हम पहला हम साइकेडेल्स की बात करते हैं। साइकेडेल्स में ये कॉमन ही होता है। इसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं इन साइकस सर्सिनेलिस में लेकिन इन कुछ किस्से टू एडजेसेंट यहाँ पे जो है टू एडजेसेंट आर्चिगोनियम होते हैं ऑफ सेम ओव्यूल्स समटाइम ग्रो इंडिपेंडेंटली इंटू टू एम्ब्रियोज एंड आल्सो रेयरली इंटू टू सीडलिंग। कोनीफ्रेल्स में जब हम बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर में इसमें होती है। इसमें जो आपको सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी होती है एंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो राइज होते हैं टू और मैनी होते हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में ही आपको पिनासिस में मिलती है, टेक्सोडिएसी में मिलती है, स्पेसियासिस एंड पोटोकार्पेसी। सुप्रासिस में जो है आपकी सिंपल और क्लीवेज दोनों ही मिलती है। टेक्सेल की बात करें तो यहाँ पे वेरियस आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टेक्सास। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होती है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मेनी ऑफ आर्चिगोनियल सेल्स बट ओनली सिंगल एम्ब्रियो जो होता है वो मैच्योरिटी अटेंड करता है। क्लीवेज और सस्पेंसरी सेल्स यहाँ पे रहता है। सस्पेंसरी होते हैं सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड ईच ऑफ देम जो है राइज होता है एम्ब्रियोनिकल यूनिट में। एट द बेसिस ऑफ सस्पेंसरी सेल की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स जो है आपकी अरेंज हो जाती है रोजेटी में जो कि रोजेटी एम्ब्रियो बनते हैं जो कि फर्दर आगे डेवलप नहीं करते डेवलपमेंट टेक प्लेस नहीं करते। पॉली एम्ब्रियोनी इन नीटल्स।
ऑर्निटेल्स जो है एग्जिबिट करते हैं पोलिम्ब्रियोनी को। पोलिम्ब्रियोनी जो फाउंड होते हैं वो वेरी हाई ऑर्डर के पाए जाते हैं नीटा। इन दिस ग्रुप देर आर नॉट ओनली सिवरल प्रोथेलाई एंड जायगोट्स इन ईसिड्स बट देर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम ईच जायगोट बाय ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स। देन नेक्स्ट आपका आता है इंड्यूस पोलिम्ब्रियोनी। इंड्यूस पोलिम्ब्रियोनी यानी कि हम आर्टिफिशियल मीडियम में आप इम्ब्रियो ग्रो करते हैं मल्टीपल इम्ब्रियो दैट इज द इंड्यूस। तो यहाँ पे क्या करें कि डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोज इन फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंट या कल्चरल मीडियम दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस पोलिम्ब्रियोनी। इट इज इससे जो आपके इम्ब्रियोज बनते हैं उनको जो एडवेंटिटियस इम्ब्रियोज या सोमेटिक इम्ब्रियोज या सुपर न्यूमेरिकली इम्ब्रियोज या इम्ब्रियोड्स भी कहते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रूट स्लीव्स फ्रूट और पोलन ग्रेन बिसाइड्स जायगोट्स एंड वास्कुलर टिश्यू। एग्जाम्पल इसमें जितने भी हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हैं तो आती है इसमें जैसे कि वीट पैडी सोयाबीन एप्पल कॉफी ग्रेप्स एक्सेट्रा। फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस पोलिम्ब्रियोनी तो जो क्योंकि आपके आर्टिफिशियल में इंड्यूस करें हैं पोलिम्ब्रियोनी को तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स और जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन में भी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करती है वो आप कि जो है कईयों में डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करती है। हालांकि डिफ्रेंशिएशन जो आपका साइटोकाइनिन करता है लेकिन कईयों में जो है ऑक्सीजन भी काम करता है। तो कहते हैं कि जो कल्चर मीडिया है वो तो ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए या लिटिल अमाउंट में होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसकी जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है वो 0.012 0.1 mg पर लीटर होती है लेकिन एम्पल अमाउंट में यानी कि ज्यादा अमाउंट में कैरेट में चाहिए दैट इज द 0.5 to 1 mg पर लीटर। जबकि फ्री मीडिया ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो ऐसा मतलब जो मीडिया कॉफी अरेबिका के लिए चाहिए होता है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है आपकी सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। KNO3 जो है कैलस डेवलपमेंट में हेल्प करता है जबकि NH4Cl जो है स्टिमुलेट करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोज। फैक्टर अफेक्टिंग पोलिम्ब्रियोनी, अब हम नेचुरल पोलिम्ब्रियोनी की बात करते हैं तो वहाँ पे सोर्स फिलो 1959 में कहता है कि पोलिम्ब्रियोनी जो है अफेक्टेड होते हैं बाय पोलिनेटर्स पोलन वायबिलिटी पोलन प्लांट नाइट्रो न्यूट्रिशंस टेम्परेचर नोमेंट एंड सोयल ह्यूमिडिटी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स जैसे द पोलिनेशंस फर्टिलाइजेशन और सीड डेवलपमेंट विल आल्सो अफेक्ट द परसेंटेज ऑफ पोलिम्ब्रियोनी एंड एम्ब्रियो नंबर पर सीड्स। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फर्टिलाइजेशन है जो कि आपकी मैच्योर एम्ब्रियो बनने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ये आपकी जो है इफेक्ट करेगा पोलिम्ब्रियोनी को। इसके अलावा जो ग्रोथ ऑफ न्यूसेलर एम्ब्रियो है वो अरेस्ट हो जाती है लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अगर आपकी एंडोस्पर्म जो है आपकी प्रॉपर आपकी फॉर्मेशन नहीं हो रही तो आपका जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट भी जो है इफेक्ट करते हैं आपकी पोलिम्ब्रियोनी फॉर्मेशन में। सिग्निफिकेंट क्या है पोलिम्ब्रियोनी का, पोलिम्ब्रियोनी जो आपका न्यूसेलर इसको न्यूसेलर एम्ब्रियोनी हम कह सकते हैं क्योंकि जितने भी हॉर्टिकल्चर साइटोजेनेसिस और प्लांट ब्रीडिंग वहां पर न्यूसेलर एम्ब्रियोनी जो है ज्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि उससे जो पोलिम्ब्रियोनी बनाते हैं। तो न्यूसेलर एम्ब्रियोनी जो होता है हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्म सीडलिंग में जो कि एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स होंगे और बेटर क्लोन होंगे देन सीजन एंड टॉक्सटॉक से जैसे कि एग्जांपल सिट्रस का। ठीक है तो बेटर क्लोन प्रोवाइड करता है और कार्ड स्टॉक देन द कटिंग। इसके अलावा जो है पोलिम्ब्रियोनी हेल्प करते हैं लार्ज स्केल प्रोपेगेशन ऑफ डिजायर जीनोटाइप। थर्ड है जो न्यूसेलर सीडलिंग होते हैं वो स्टोर करते हैं वाइगर यानी कि जो उनकी वाइबिलिटी है सीड प्रोडक्शन की जो कि रिपीटेड वेजिटेशन प्रोपेगेशन से खत्म हो गई है। इसके अलावा ये जो है डिजीज फ्री जो आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जैसी बात है कि जब हम पोलिम्ब्रियोनी बनाते हैं जैसे स्ट्रेस के तो डिजीज फ्री है उसमें जो आप बना सकते हैं इजीली। तो हैप्लोइड कैन बी यूज्ड फॉर साइटोजेनिक स्ट्रेटेजी के लिए एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इन द प्लांट ब्रीडिंग।
इसके अलावा होमोजाइगस डिप्लोइड जो है कैन बी रेज्ड फ्रॉम द हैप्लोइड बाय कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। द एडवांटेजेस पॉलीएम्ब्रियोनिस होती है इज मच यूजफुल इन द प्रोपिगेशन ऑफ फ्रूट ट्री सच एज द सिट्रस मैंगो। ये जो है जेनेटिक यूनिफॉर्म सीडलिंग भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मॉर्फोजेनेटिक स्टडी में भी जो है यूज किया जाता है। तो दीज आर द रेफरेंसेस।